अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। अमिताभ ने जब करियर शुरू किया था तब राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को बुरा भला भी कह दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन फिल्म बावर्ची के सेट पर जया बच्चन से मिलने जाते थे। उस वक्त राजेश खन्ना को बार बार अमिताभ का अपमान करते हुए देखा गया था। अमिताभ सेट पर अपनी गर्लफ्रेंड जया और असरानी जैसे अन्य दोस्तों से मिलने के लिए जाते थे, उनके साथ हैंग आउट करते थे। उसी दौरान राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को ताना मारते थे। यहाँ तक कि राजेश ने अमिताभ को मनहूस और बदकिस्मत तक कह दिया। इस सबसे जया को काफी गुस्सा भी आया। जया ने भी कहा था कि एक दिन दुनिया देखेगी कि ये आदमी कहाँ होगा और खन्ना कहाँ होगा। बता दें कि जया और अमिताभ एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने साल 1973 में शादी की। वैसे 9 अप्रैल को जया ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। जया और अमिताभ के दो बच्चे हैं, अभिषेक और श्वेता बच्चन। दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बसर कर रहे हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।